इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। क्या बताइएगा? मैं विधायक प्रवीण कुमार, सह प्रभारी मध्य प्रदेश, और मैं भोपाल के रहने वाला हूँ। बैतूल जिले में मेरा जन्म हुआ है, तो सारी मेरी पढ़ाई जो है वो मध्य प्रदेश में हुई है, और दिल्ली के लोगों ने प्यार मुझे दिया, जो विधायक। आप युवा विधायक हैं और सिवनी जिला भी ऐसे कुछ परिवर्तन चाहता है कि यहाँ भी कोई ऐसा युवा आए और यहाँ पे रोजगार के लिए कुछ क्रांति करे, क्योंकि कि सदियों से यहाँ पे बेरोजगारी है। और यहाँ भी जितने भी जनप्रतिनिधि हुए और जीत के आए, तो उन्होंने अपना एक रोजगार का गढ़ बनाया, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने ये नहीं चाहा कि सिवनी जिला कोई ब्रांड के रूप में उभरे, क्योंकि यहाँ पे 130 किलोमीटर दूर नागपुर जैसा महानगर जुड़ा हुआ है और हम उत्तर दिशा में जाएं तो जबलपुर जैसा संभाग भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके लिए किसी जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी क्या करना चाहेगी इसमें? देखिए, सिवनी जो है अपने आप में ऐसी जगह है जो हर तरीके से संपन्न है जी। यहाँ पे लोग भी पूरी तरीके से जो है ईमानदार है, अच्छे हैं, मेहनती है। यहाँ पे साधन संपदा जो है वो हर तरीके से यहाँ पे सिवनी जिले में मौजूद है। हर तरीके के जिस तरीके से शहर को डेवलप किया जाना चाहिए, हर तरीके के साधन मौजूद है, लेकिन पुराने नेताओं की नीयत नहीं रही है। और जब तक के जीवन में नीयत नहीं होगी, तब तक के कोई व्यक्ति जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसको ज़मीन पर उतार नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली और पंजाब में चल रही है, जो कहती है वो करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने सिवनी ज़िले में पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक रखी है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे लोगों तक जाएगी, दिल्ली की पॉलिसी बताएगी, दिल्ली के सरकार की पॉलिसी बताएगी, पंजाब के सरकार की पॉलिसी बताएगी, और जिस तरीके से वहाँ पे जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में जिस तरीके का काम चल रहा है, उसी तरीके से काम जो है वो सिवनी जिले में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। इन्हीं बातों को पहुँचाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से। सिवनी जिला मुगली जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रसिद्ध है, लेकिन चाहता अगर कोई जनप्रतिनिधि तो यहाँ पे कॉरिडोर बना सकता था मुगली के नाम से। गुजरात या बाकी स्टेटों में देखें तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट मतलब कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो सिवनी जिला NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग में बसा हुआ है, तो यहाँ पे मुगली की जन्मस्थली होने के बाद उसके लिए काम क्यों नहीं किया जाता? किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बाकी सरकारें जो है हमेशा इन लोगों ने जनमानस की जो आवाज़ है उसको इग्नोर किया, क्योंकि जनमानस की आवाज़ अगर वो पकड़ लेंगे तो उसमें उनका फ़ायदा नहीं होगा, उसमें लोगों का फ़ायदा होगा। वो अपने घर भरना चाहते हैं, अपनी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अपने काम धंधे चलाना चाहते हैं, तो वो कभी भी जो है जनता की डिमांड, चाहे वो कॉरिडोर मुगली कॉरिडोर की हो, चाहे वो और भी जो भी डिमांड हो, आज तक पानी नहीं पहुँचा पाए। आज़ादी को इतने साल हो गए, आज तक पानी नहीं पहुँचा पाए, यहाँ पे नर्मदा जी बगल में है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।